नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ की अतरौलिया में 36 घंटे से ऊपर से हो रही लगातार बारिश की वजह से नगर पंचायत का वार्ड नंबर 1 बधनिया रोड तथा वार्ड नंबर 4 लोहिया नगर पूरी तरह से पानी में लग चुका है, जहां लोगों घरों में पानी घुस गया है और घर में रखे खाने पीने के सामान खराब हो गई हैं। खाने पीने की भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। नगर प्रशासन द्वारा लाख दावे करने के बाद भी जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से नगर का पानी नगर में ही जल जमाव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। जबकि जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश के बाद भी जल निकासी की समुचित व्यवस्था अभी तक नगर प्रशासन द्वारा नहीं कराई गई, जिसकी वजह से महीनों तक जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों का बाजार आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोहिया नगर वार्ड में भारी जल जमाव होने से यूनियन बैंक पूर्व माध्यमिक विद्यालय BRC कस्तूरबा विद्यालय तथा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पर पाठन पर बुरा असर पड़ता है, तो वही बच्चे पानी में ही अपने घरों तक जाते हैं। जबकि यूनियन बैंक भी जल जमाव से काफ़ी प्रभावित होता है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का लेन देन होता है। नगर पंचायत की जल निकासी समस्या बहुत पुरानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर प्रशासन द्वारा इस बात पर पहले ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह रहा कि कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से पूरे नगर क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। राहुल मिश्रा, क्या समस्या है इसके बारे में? यहाँ पे पानी, जैसे कभी भी बारिश हो रही है, हल्की अगर बारिश होती है तो पूरे मार्केट का जितने पानी हैं सब आके यहीं पे घर के सामने लग जाते हैं, यहाँ तक कि घर में भी पानी घुस जाते हैं। और इससे जो बीमारी है, कई तरीके हम लोग घरों में बीमारी से भी परेशान हो गए हैं। किसी को सर्दी शिकायत हमने मुख्यमंत्री के पत्र के द्वारा भी भेजा गया, DM को, SDM को भी भेजा गया, पिछले साल भेजा गया था। और इसके बाद इसकी हम लोग मुख्यमंत्री पोर्टल भी कंप्लेन कर चुके हैं और कहीं पे कोई इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अभी तक इसको देखने तक कोई साक्षी अधिकारी नहीं यहाँ पे आया। दुकानदार हैं, पानी जल जमाव से आपको क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पे कस्टमर जो आते हैं कभी कभी गिर जाते हैं, नाली में चले जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं और कोई कस्टमर इधर आना ही नहीं चाहता है। दुकान पे आपको कितना प्रभाव पड़ा? दुकान पे कोई कस्टमर, सिंगल पर्सन कोई यहाँ पे चढ़ने नहीं आता है दुकान पे। दुकान में सामान जो रखे हैं सब पानी दुकान के अंदर भी चला जा रहा है और सब सामान भीग जा रहे हैं और इसमें हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। आनंद जायसवाल, कहाँ निवासी हैं? अतरौलिया खानपुर फतेह। सर, ये यहाँ जल जमाव है, इसके बारे में बताइए क्या? यहाँ तो जल जमाव, जरा सा पानी बरस जाता है पूरा जल जमाव हो जाता है और महीनों तक पानी भरा रहता है। इसकी शिकायत नगर पंचायत में भी हुई, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हुई। तो कोई अधिकारी आया जांच करने? दिखाया कि नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई अधिकारी आया, ना EO आया, ना चेयरमैन साहब आए, कोई क्या नहीं समस्या की जल निकासी नहीं हो पा रहा है? यहाँ का आगे का नाला सब जाम है, जिसके कारण पानी जो है जल जमाव बना रहता है महीनों तक। तो अभी आज 36 घंटे से लगभग बारिश हो रही है कि घरों में पानी घुस गया, क्या कितना नुकसान हुआ किसका? इनके घरों में पानी घुसा हुआ, जिसका सामान रखा दुकानों में सब खराब हो रहा है, सब खराब हो चुका है। मतलब आप लोग कह रहे हैं, मतलब अभी तक कोई ना शासकीय अधिकारी नहीं आए, कोई कर्मचारी नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं। अम्बेडकर नगर में जिले में भारी बारिश से भर कर कच्चा एक मकान गिर गया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो मकान गिरने से दीवार के नीचे दबकर एक किशोरी और एक वृद्ध महिला की मौत हुई। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बनगांव टेड़वा में किशोरी के साथ एक भैंस की मौत हुई। जलालपुर थाना क्षेत्र के करीमपुर नगरपुर में वृद्ध महिला की दबकर मौत हुई। मौत से दोनों के परिजनों में कोहराम मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आजमगढ़ में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से विशाल सिंथेटिक्स दुकान जो दलसिंगार मोहल्ला पुराने सब्जी मंडी आजमगढ़ पर स्थित है में पानी भर जाने की वजह से लाखों का नुकसान होने बताया जा रहा है। दुकानदार अरुण मिश्रा ने बताया कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक प्राकृतिक आपदा का कहर इस तरह हमारे ऊपर बरपेगा। इस आपदा में हमारा लगभग 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस देख सकते हैं किस तरीके से दुकान में पानी भर जाने की वजह से लाखों का सामान नुकसान हो गया है।
आजमगढ़ के अथरौड़िया थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर मोहल्ला नरियाव निवासी मोती लाल पुत्र स्वर्गीय समारोह जिनकी उम्र 56 वर्ष है, रोज की भांत खाना खाकर अपने कच्चे मकान में सोने चले गए। तेज हो रही बारिश के कारण कच्चे मकान की दीवार सुबह करीब 4 बजे भोर में उनके ही ऊपर गिर गई। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए और किसी तरह से मोतीलाल को मकान के मलबे में बाहर निकाला। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मौत होने की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा अथरौड़िया थाने पर दी गई। मौके पर ही उप निरीक्षक सुल्तान सिंह व हमराइयों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बता दें कि मृतक खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। प्रभारी निरीक्षक सुनील चंद तिवारी ने बताया कि मृतक के लड़के नरसिंह की तहरीर की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आइए सुनाते हैं कि मृतक के लड़के धर्मेंद्र और स्थानीय निवासी ने इस बाबत क्या कुछ कहा। धर्मेंद्र नाम है, परमेश्वरपुर के। क्या घटना घटी थी बताइए। और रात को बारिश हो रही थी, दीवार गिर गया। क्या नुकसान हुआ वो हमारे पिताजी थे उसमें दब के मर गए। कैसे निकाले? फरुआ से खोद के निकाले गाँव वाले सब मिल के। कितना और कितना नुकसान हुआ है? जी साहब पूरा घर ही गिर गया है। उसमें सामान वामान? सामान वामान सब, हाँ सामान भी था, बर्तन वर्तन। क्या नाम था? गल्ला वल्ला। पिता का नाम क्या? मोतीलाल था। अच्छा, आवास वास नहीं मिला था? जी साहब आवास वास कुछ नहीं मिला है। वीर बहादुर कहाँ निवासी? परमेश्वरपुर। क्या घटना घटी थी इसके बारे में बताइए। सर जो है रात में जो है 3 बजे इनका मकान सर गिर गया और जो ये लोग रोने लगे पूरे घर वाले, तब हम लोग जो है हमारे जो गांव के लोग हैं सब लोग आए जो है, फिर दब गए थे दीवार के अंदर दब गए थे। उसके बाद हम लोगों ने जो है खुदाई की, उसके बाद निकाला। तब तक क्या उनकी मौत हो चुकी? जी उनकी मौत हो चुकी थी, पूरी तरह मतलब मर चुके थे। इन लोग के आवास वास इन लोग को नहीं मिला था? जी आवास नहीं मिला था, गरीब लोग थे जो है। 3 भाई लोग हैं, 2 बहनें हैं, मजदूरी करते हैं लोग। आज उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ की सबसे बड़ी खबर है। बता दें कि आजमगढ़ के उखरौड़ा गांव के उसरैया पूर्व में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारी बारिश की वजह से होने से उसके बीच में दरार आ गई है। और इस मामले में समाजवादी पार्टी की विधानसभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजी तंतकाई ने बताया है कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार होने की वजह से ये एक्सप्रेसवे फट गया है। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लालजीत क्रांतकारी है, मैं समाजवादी यूजन सभा का पूर्व प्रदेश कार्यकारी सदस्य हूँ। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारी बारिश की वजह से उखरौड़ा गांव में मेरे यहाँ धस गया है। मैं इस सरकार को कई बार चेताया था, एक बार और धसा था, तो मैं सरकार को चेताया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन यूपी डा के अधिकारी कर्मचारी और यह भाजपा सरकार के लोग और भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री महोदय को मैंने कई बार चेताया कि इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, आप इस पर कार्रवाई करिए, लेकिन ये लोग बीजेपी के लोग, इस जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये लोग इसमें भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाला किए हैं, महाघोटाला किए हैं। हर जगह पे यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे टूट रहा है। मैं उच्च स्तरीय जाँच की मांग करता हूँ और जो भी दोषी इसमें कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इतनी बड़ा प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये था, माननीय अखिलेश यादव जी इसको पास करके गए थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट में इतना भ्रष्टाचार कि कहने वाली बात नहीं। आज हम आजमगढ़ में तेज बारिश से एक बार फिर स्थानीय नगर पंचायत के कई वार्ड पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। रास्ते ही नहीं बल्कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश से जल जमाव की समस्या के चलते वार्ड के लोग जहां परेशान नजर आए। उल्लेखनीय है कि नगर के नाले का काम आधार में ही लग चुका है कि तेज बारिश ने कह ढा दिया तो वही प्रशासन प्रतिवर्ष जल निकासी हेतु नाले व नालियों की सफाई तो की जाती है, परंतु जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था न होने से जल जमाव की समस्या बनी रहती है। इसका खामियाजा लोगों को हर वर्ष बरसात में झेलना पड़ता है। नगर के लोहिया नगर वार्ड में तो प्रशासन ने कई वर्ष पूर्व पुराने नाले को जीर्णोद्धार हेतु खुदवा कर छोड़ दिया और नाले का पानी लोगों के मकानों के नींव में घुसकर क्षतिग्रस्त कर रहा है। जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए निवर्तमान उप जिलाधिकारी सगरी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तथा नगर प्रशासन को अभिलेखों में मौजूद नाले की पैमाइश कराकर उसके निर्माण हेतु निर्देशित किया था। बरसात के पूर्व नगर प्रशासन ने पैमाइश कराकर नाले व नालियों का सीमांकन कर कुछ काम भी कराया, किंतु नाले का निर्माण पूरा नहीं हो सका। विष्णु नगर वार्ड के सभासद तथा लोहिया नगर वार्ड के सभासद ने कहा
ऐसा नहीं है कि भारी बरसात के चलते इस तरह की समस्या पहली बार उत्पन्न हुई है, बल्कि हर वर्ष बरसात के समय यही स्थिति होती है। जब बस्ती डूबने लगती है तो नगर प्रशासन कुछ सफाई कर्मियों को भेजकर नालियों की सफाई करने की कवायद करता है, जबकि बरसात समाप्त होने के बाद समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के बजाय उसी की साफ सफाई में मस्त हो जाता है। अस्थायी अधिकारी गुंजन कुमार ने कहा कि भारी बारिश के चलते यह समस्या उत्पन्न हुई है। जल निकासी हेतु कई स्थानों पर जाम हुई नालियों व पुलिया को खुलवा दिया गया है। आजमगढ़ जनपद में बिलैयागंज पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो नाबालिग किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी है। बता दें कि 13 मार्च 2021 को थाना बिलैयागंज में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें बताया गया था कि रात करीब 3 बजे भोर में अपनी मां के गहने व रुपए लेकर किशन उर्फ कृष्णा पुत्र स्वर्गीय भोला शंकर दबकर ग्राम पुराना गोला मोहल्ला कस्बा बड़हलगंज जिला गोरखपुर के साथ भागने तथा सहयोग की रागिनी पत्नी दिनेश दबकर ग्राम थाना बिलैयागंज द्वारा भकाने व भकाने में पूरा सहयोग करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के आजमतगढ़ कस्बे में राम वाटिका में स्थित 200 वर्ष प्राचीन राधा कृष्ण की 40 किलो वजन की करोड़ों कीमत की अष्टधात की मूर्ति चोरों ने मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की प्रतिमा के चारों तरफ निर्मित लोहे के घेरों को इलेक्ट्रिक कटर से काट कर उठा ले गए। घटना से कस्बे में आक्रोश मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस अब घटना की जाँच कर रही है। घटनास्थल पर पदाधिकारी सगड़ी की सूचना पर डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच शुरू की। आज बता दें कि शुक्रवार सुबह 8 बजे मंदिर की साफ सफाई करने के लिए सुरेंद्र मौर्य गए हुए थे, जहां उन्होंने देखा कि राम वाटिका मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। वहीं राधा कृष्ण मंदिर के अंदर मूर्ति के चारों तरफ लगे लोहे के घेरे को इलेक्ट्रिक कटर से काटकर मंदिर के अंदर से राधा कृष्ण की 40 किलो वजन की करोड़ों रुपये कीमत अष्टधातु की मूर्ति चोर उठा ले गए हैं, जिसके उपरांत कस्बे में शोर हो गया। मौके पर भीड़ जुट गई। जीएनपुर पुलिस को सूचना दिया गया। घटना पर पहुंची पुलिस अब छानबीन कर रही है और कोतवाल जितेंद्र सिंह पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। उच्च अधिकारी सगड़ी महेंद्र शुक्ला ने पहुंचकर डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू की है। कोतवाल ने कहा कि श्रीकृष्ण गुप्ता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमको बताया भैया जो मालिक है हमारे बहुत करीबी बड़े भाई हमारे यहाँ ब्रजेश कुमार जायसवाल व्यापार मंडल अध्यक्ष अजमतगढ़। ये बहुत पुराना धरोहर था जो अजमतगढ़ शेठ का बनाया हुआ मंदिर है, जैसे रामबाटका हुआ, बावली हुआ, ये सब जो है काफ़ी पुराने मंदिर हैं, बड़े अच्छे मंदिरों में आते हैं। और यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति थी जो कल जो है वो चोरी हो गई रात में। और मुझे फ़ोन से जो है कन्हैया भैया जी जो अजमतगढ़ स्टेट के हैं मालिक, उन्होंने मुझे अवगत कराया और फिर मैं अपने लोगों को फ़ोन किया। फिर हम लोग सारे लोग यहाँ मौके पर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आ गई है, यहाँ पे जांच पड़ताल कर रही है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो मूर्ति बरामद हो, हम लोगों की ये अपेक्षा है। इससे सीसी कैमरा उस मंदिर में नहीं लगा हुआ है। ये मंदिर 150 साल पुराना है। सुरक्षा की बात की जाए, चौकी की बात भी सामने आई। चौकी तो यहाँ पे है, चौकी वाले भी हैं, यहाँ पे पुलिस चौकी है, यहाँ पे बगल में जो है बावली पे। कितनी दूर होगी चौकी यहाँ से? आधा किलोमीटर होगा। ये चोरी घटना कुछ दिन पहले भी हुई थी? हाँ, एक बार कुछ चोरी हुई थी, फिर मूर्ति बरामद हुई थी 30-40 साल बाद। फिर जो है बनारस गई मूर्ति, फिर बनारस से जो है ये बहुत लंबा परिवार है, इनका बड़ा परिवार जो है बहुत लंबा है। बनारस भी रहते हैं लोग, यहाँ भी रहते हैं। फिर मूर्ति फिर आई, फिर प्राण प्रतिष्ठा होकर रखा गया मूर्ति फिर यहाँ पे, और फिर ये सब घटना हुई है। पूरा परिचय बता दीजिए अपना। मैं पार्थनाथ सोनकर, नगर पंचायत अध्यक्ष अजमतगढ़। चलो सर, ये किस तरह की चोरी हुई, क्या था, किसका मंदिर था और क्या था पूरा मामला? ये अजमतगढ़ स्टेट की मंदिर है और उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति थी। हमें भी सूचना मिला है, हमारे बड़े भैया ब्रजेश जायसवाल जी ने फ़ोन किया है कि मंदिर में इस तरह की घटना हो गई है। घटना सुनने के बाद हम लोग आए हैं तो फिर फ़ोन किया गया है प्रशासन को, प्रशासन भी आई है। उसके बाद देखा जा रहा है कि इसमें मूर्ति चोरी हो गई है, प्रशासन आई है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। कैसी मूर्ति थी वो, कितने किस की मूर्ति थी? अब अंदाज़ा से लगाया जा रहा है कि दोनों मूर्तियां 40 किलो की थी, अष्ट धातु की थी। आप तो हमेशा आते जाते हैं, देखे हैं? हम लोग हमेशा जन्माष्टमी पर आते हैं, देखे हैं। अभी पिछली बार आए थे हम लोग, देख के गए। अब ये चोरी हुई है, हम लोगों को बहुत कष्ट है। हम लोगों को प्रशासन से ही सिफारिश गुजारिश है कि इसका पर्दाफाश करें और मूर्ति फिर वापस आए, बरामद हो। क्या सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी आसपास?
सुरक्षा का व्यवस्था का मतलब कि इतना हम लोगों को ये नहीं था कि इस तरह की हो जाएगी, क्योंकि सब अजमतगढ़ के लोगों का सबका श्रद्धा उससे जुड़ी है। अब इस तरह की घटना, मौसम बारिश हो रही थी, अब इस तरह का कौन किया कैसे किया, अब ये तो पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। तो बगल में चौकी की बात भी आ रही है। चौकी बगल में है, मगर बारिश के होने के नाते अब प्रशासन के लोग क्या कर सकते हैं। प्रशासन सूचना पाई है, पता कर रही है, लगी है।